नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे दानापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की। दानापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र राजधानी पटना के अंतर्गत आता है। लगातार चुनावी मैदान में राजनीतिक पार्टी के नेता हुंकार भर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताकर सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। इस चुनावी साल की बात की जाए तो यहाँ भाजपा से आशा सिन्हा मैदान में है, तो वहीं राजद से रीतलाल यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहाँ इन दोनों उम्मीदवारों के अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया भी चुनावी मैदान में है। सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया के चुनाव मैदान में आ जाने से विधानसभा चुनाव में एक अलग तरह की लहर देखने को मिल रही है। सुरेंद्र प्रसाद अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से क्षेत्रीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं और यह दिलासा भी दिला रहे हैं कि अगर जीत होती है तो विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। दानापुर विधानसभा चुनाव में चल रही राजनीतिक हलचल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र दानापुर विधानसभा के राजनीतिक अतीत के बारे में। तो आइए बात करते हैं साल 2015 विधानसभा चुनाव के बारे में। विधानसभा चुनाव 2015 में राजद और भाजपा के प्रतिद्वंदी पार्टी के बीच कड़ा टक्कर हुआ था। भाजपा प्रत्याशी आशा देवी और राजद के राजकिशोर यादव के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था और इस चुनावी मैदान में आशा देवी विधायक चुनी गई थी। उन्हें 72,192 वोट हासिल हुआ था। वहीं उनके विपक्ष उम्मीदवार राजकिशोर यादव को 66,983 वोट मिला था। साल 2010 में हुए चुनाव में इस क्षेत्र में निर्दलीय और भाजपा के बीच आमना सामना था। भाजपा के टिकट से आशा देवी विधायक चुनी गई थी। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार रीतलाल राय को 41,506 वोट हासिल हुआ था और वे आशा देवी से 17,919 वोटों से शिकस्त खा गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2005 की चुनाव परिणाम को देखें तो इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा देवी ही विधायक के तौर पर चुनी गई थी। साल 2000 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस साल राजद के टिकट से लालू प्रसाद यादव विधायक चुने गए थे। चुनावी साल 1995 में यहाँ भाजपा का कब्जा रहा था। भाजपा से विजय सिंह यादव विधायक रहे थे। अब हम साल 1990 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस साल यहाँ पे जनता दल का कब्जा रहा था। जनता दल से विजेंद्र राय विधायक चुने गए थे। दानापुर विधानसभा के विकास कार्यों की तरफ रुख किया जाए तो अब तक कई सारे कार्य किए गए हैं। सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़क की मरम्मत कराई गई है, बिजली की और पेयजल की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। शैक्षणिक मामलों में भी पहले की अपेक्षा ऊंचाई का ग्राफ ऊपर चढ़ा है। महिला विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क तो बने हैं लेकिन जल जमाव एक ऐसा मुद्दा है जिससे बुरी तरह प्रभावित होना पड़ता है। बरसात के दिनों में जीवन काफी मुश्किल भरा हो जाता है। नाले के पानी से परेशानी होती है। इसके अलावा रोजगार अहम मुद्दा है। इस साल बिहार के चुनाव पर नजर डालें तो दानापुर सीट पर भाजपा और राजद आमने सामने हैं। एनडीए की तरफ से यह सीट जदयू के खाते में न जाकर बीजेपी के खाते में चली गई है। बताते चले कि भाजपा का इस सीट पर पिछले कई सालों से दबदबा रहा है। पिछले साल जदयू और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हुंकार भरे थे, लेकिन इस साल दोनों एक साथ मैदान में हुंकार भर रहे हैं और सीधा मुकाबला महागठबंधन से है। महागठबंधन से यह सीट राजद के खाते में गई है। राजद के टिकट से यहाँ रीतलाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी ने आशा सिन्हा को टिकट दिया है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और राजद के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। इन दोनों उम्मीदवारों के बीच में दानापुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया भी चुनावी मैदान में हैं और वो भी कड़ा टक्कर देने की काबिलियत रखते हैं। सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो वे 5 सालों तक बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही वे वार्ड पार्षद, नगर परिषद महामंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा चौरसिया समाज के बिहार प्रदेश महामंत्री रहे हैं, अखिल भारतीय वैश्य समाज के महामंत्री रहे हैं। दानापुर सीट के जातिगत राजनीति को देखें तो ऐसे में सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया को लाभ मिलता दिख रहा है। इस विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि एक बार फिर से दानापुर की जनता आशा देवी पर भरोसा करती है या फिर इस बार वह नए उम्मीदवार को अपना नेता मानती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।